السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم الحمنا رشدنا واجنبنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين میں سب سے پہلے تو اپنے مربی اور مشرق استاد پرنسپل آف جامعہ سلفیہ मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद यासीन जहर साहब का दिल की अथक गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और उनको वेलकम करता हूँ कि उन्होंने अपनी सरपरस्ती से हमें नवाजा और यहाँ पे आपके सामने तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद अपने रूहानी उस्ताद फजीलतुल शेख शेखुल हदीस व तफसीर हाफिज़ मसूद आलम साहब का मशहूर हूँ कि वो अपनी मसरूफियत को तर्क करके हमारी इस महफिल में तशरीफ़ लाए और इस महफिल को रौनक बख्शी। अल्लाह ताला इन दोनों मशाइख की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। और उसके बाद मैं नजीबुल्लाह तारिक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इन तमाम मशाइख की ज़िंदगियों में बरकत दे और इनका साया देर बाद हम पे सलामत रखे। अगर मशाइख की इजाज़त हो कुछ मारूजात पेश करना चाहूँगा इस कंपेन के हवाले से। 16 अप्रैल 1979 में टाइम मैगजीन के अंदर एक क्रिश्चियन मुहक्किक का एक आर्टिकल छपता है जिसमें लिखा था 1800 से लेकर 1950 तक यानी 150 साल के अंदर 60,000 किताबें इस्लाम के खिलाफ लिखी गई। 60,000 किताबें इस्लाम के खिलाफ लिखी गई। यौमिया 1 से ज़ायद किताबें पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ लिखी गई। आप हैरान होंगे कि इस्लाम दुश्मन लोग किस कदर अपनी साजिशों के जरिए इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और खसूसन 9/11 अटैक के बाद यह तादाद मजीद बढ़ गई। और आपके इल्म में है इस 9/11 अटैक का जो मलबा था वो मुसलमानों के ऊपर डाला गया और मुसलमानों को ऑन द वर्ल्ड दहशतगर्द करार दिया गया। प्यारे भाई सिर्फ यही नहीं, जहां इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखी जाती हैं वहां अपने मजहब की तरवीज के लिए और इशाद के लिए भी किताबें लिखी जाती हैं। आप हैरान होंगे द वॉच टावर ये एक मैगजीन छपता है अमेरिका यूरोप के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तकरीबन 418 लैंग्वेजेस के अंदर जबानों के अंदर इसको कन्वर्ट करके पूरी दुनिया के अंदर मुफ्त तकसीम किया जाता है। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाएं इस मैगजीन का जो फी शुमारा होगा वो कितना होता होगा, यानी जब एक दफा इशात होती है कितनी होती होगी। एक माह के अंदर आप हैरान होंगे एक माह के अंदर 7 मिलियन बल्कि 74 मिलियन ये मैगजीन पूरी दुनिया के अंदर तकसीम होता है ईसाइत की तबलीग की खातिर। और इसके साथ साथ एक अवेक मैगजीन है इसे भी द वॉच टावर ऑर्गेनाइजेशन यही छापती है। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन आप 6 करोड़ 80 लाख तकरीबन ये मैगजीन पूरी दुनिया के अंदर मुफ्त तकसीम किया जाता है। हैरानगी की बात है हदीस तो हमारे हवाले से थी बल्लगो अन्नी बलो आया, लोगो अगर एक आयत भी जानते हो उसे आगे पहुंचाओ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें ओहदा दिया है कुल तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। जिम्मेदारी क्या है, जितना बड़ा ओहदा हो उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रिंसिपल ऑफ जामिया सल्फिया की जिम्मेदारी आम असातिज़ा की निस्बत बहुत ज्यादा है
अगर कोई शख्स ओहदा लेने के बाद अपनी जिम्मेदारी से हट जाए तो उसको क्या किया जाता है, उस ओहदे से हटा दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन उम्मत का हम लोगों को लकब दिया है। अगर हमने ये फरीजा अंजाम ना दिया, बल्ला ये ओहदे के हम भी मुस्तहक नहीं ठहरेंगे। प्यारे भाई, यहां पे जमा होने का जो मकसद था वो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन जो हम तक पहुंचा है, इस दीन को सिर्फ मिंबर और मेहराब तक महदूद नहीं करना, बल्कि हर शख्स को हमने अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम देना है। अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को हमने हर शख्स तक पहुंचाना है, चाहे कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हो, चाहे कोई कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला हो, चाहे कोई रेड़ी लगाने वाला हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, माफ करना मुझे, इस जामिया के अंदर क्रिश्चियन लोग काम करते हैं, हम में से किसने कभी उसको दावत दी है जाके? कोई हाथ खड़ा कर सकता है कि हमने इतना जाके कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ ईसाई भाई अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है, ना उसने किसी को जना है, ना वो जना गया है। क्या कल कयामत के दिन ये हमारा गरेबान पकड़ के अल्लाह के सामने शिकायत नहीं कर सकते कि अल्लाह ये तो हक को जानते थे, इन्होंने कभी हमें नहीं दावत दी? प्यारे भाई, ये नालायक आठवीं क्लास का मैं अपने आप को बहुत ही नालायक आदमी समझता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दी कि इस जामिया के अंदर मेरे बहुत ही प्यारे उस्ताद, जिनसे मैं दिली मोहब्बत करता हूं, चौधरी मोहम्मद यासीन जफर साहब, और मेरे रूहानी उस्ताद हाफिज मसूद आलम साहब, इनकी सरपरस्ती के अंदर अल्लाह की तौफीक से एक छोटी सी कंपेन चलाई कुरान मजीद के हवाले से। कुरान मजीद अल्लाह की तौफीक से हम मिलके खरीदते हैं और उसके बाद लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि जिस तरह वो टावर बाज टावर मैगजीन पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों के अंदर 7 करोड़ 60 लाख के तकरीबन एक माह में तकसीम किया जाता है, अगरचे हम इतना तो नहीं कर सकते, अगर हमारी तरफ से अगर एक कुरान तर्जमे का किसी की तरफ चला गया, चाहे वो कोई मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो या ईसाई हो, यकीनन हमारे लिए निजात का जरिया बन सकता है। हमारी वजह इस कंपेन को शुरू करने की भी यही थी। अल्लाह जजाए खैर दे हमारे मशाइख को, खुसूसन चौधरी मोहम्मद यासीन जफर साहब को, कि उन्होंने हमारी सरपरस्ती की। उन्हीं की सरपरस्ती के अंदर हमारे एक छोटी सी टीम है, अगरचे ज्यादा तादाद तो नहीं है, जिनकी तादाद 20 से 25 के करीब होगी, जो जुमेरात वाले दिन उस्ताद जी के हुक्म से बाहर जाके माशाल्लाह ये करीब वाले जितने इलाके हैं, हाजियाबाद हो गया, सदीकाबाद हो गया, रहमताबाद, एक एक दुकान पे जाके अल्लाह के दीन की दावत देते हैं, सिर्फ अल्लाह की रजा है। और बेहमदल्ला 2 साल के अंदर बेहमदल्ला 1000 के करीब कुरान मजीद और उसके साथ सीरत और एक हिस्नुल मुस्लिम छोटी दुआओं की किताब हम बतौर गिफ्ट लोगों में तकसीम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है ये माड़ी सी कोशिश अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। प्यारे भाइयों, अब मैं बगैर ताखीर किए अपने उस्ताद मोहतरम प्रिंसिपल अफजाल सल्फिया चौधरी मोहम्मद यासीन जफर साहब को दावत दूंगा, वो अपने ख्याल का इस हवाले से इजहार करें। चौधरी मोहम्मद यासीन।